मिर्जापुर में मिड डे मील में नमक रोटी खिलाने के मामले में दो लोगों पर FIR दर्ज की गई। राष्ट्रीय स्तर पर बेसिक शिक्षा विभाग की छवि धूमिल करने के आरोप में दो लोगों के खिलाफ अहरोरा थाने में विभिन्न IPC की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मिड डे मील में नमक के साथ रोटी का वीडियो बनाने वाले पत्रकार पर ही केस दर्ज। पुलिस ने IPC की विभिन्न धाराओं के तहत स्थानीय पत्रकार पवन जायसवाल और गांव के राजकुमार पाल पर साजिश करने, गलत साक्ष्य बनाकर वीडियो वायरल करने और छवि खराब करने को लेकर मामला दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के प्राइमरी स्कूल के बच्चों को नमक के साथ रोटी खिलाने का मामला सामने आया था। अब इस पूरे मामले में दो लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोप है कि पत्रकार ने फर्जी तरीके और गलत मंशा से स्कूल में बच्चों के मिड डे मील के वीडियो बनाए और उसका साथ गांव के प्रधान ने भी दिया। पुलिस ने IPC की विभिन्न धाराओं के तहत स्थानीय पत्रकार पवन जायसवाल और गांव के राजकुमार पाल पर साजिश करने, गलत साक्ष्य बनाकर वीडियो वायरल करने और छवि खराब करने को लेकर मामला दर्ज किया है। शुरुआती जांच के मुताबिक जानबूझकर गलत मंशा से ये वीडियो बनाया गया, फिर इसे वायरल किया गया, जबकि स्कूल के मिड डे मील में पहले कभी गड़बड़ी नहीं पाई गई थी। मिर्जापुर के हिन्नोता के प्राइमरी स्कूल में बच्चे मिड डे मील में नमक के साथ रोटी खाते दिखाई दिए थे। इस मामले को जिला मजिस्ट्रेट ने शिक्षक और सुपरवाइजर के लापरवाही बताया। उन्होंने कहा था कि मिड डे मील में लापरवाही बरतने के आरोप में शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं सुपरवाइजर से इस मामले में जवाब मांगा गया। प्रशासन ने मामले की जाँच का आदेश दे दिया था।